आप देख रहे हैं P21 न्यूज़। आज की मुख्य खबर, मंदिर की जमीन पर कब्जा करके दबंगों का परिवार योगी सरकार व प्रशासन को दे रहा चुनौती। अब खबर विस्तार से, गांव बलवंतपुर ब्लॉक सरसावा में जयदयाल व उसके दो भाइयों ने दान में दी गई मंदिर की जमीन पर 20 वर्ष से कब्जा किया है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है, दबंगों के परिवार ने 40 वर्ष पूर्व में मकान बनाकर 4 फुट का छज्जा बाहर निकाला था, जो कि अब सड़क से मात्र 8 फीट की ऊंचाई पर जर्जर हालत में मौजूद है। जिस गली में यह छज्जा मौजूद है वह गांव से खेत की तरफ जाने का एकमात्र रास्ता है। जयदयाल ने अपनी दबंगई का परिचय देते हुए छज्जे की आवाज़ उठाने वाले आदमियों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। छज्जे के कारण कई बार बड़ी दुर्घटना होने से बची है। दबंगों की गुंडागर्दी से बलवंतपुर के लोग डरे हुए हैं। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र सैनी है और मैं यहाँ बलवंतपुर गांव में रहता हूँ। और ये जो ज़मीन है, ये चकबंदी से पहले यहाँ मंदिर के लिए छोड़ दी थी हमारे बाबा जी और पिताजी ने। कौन से सन की बात होगी? ये सन 65 में चकबंदी हुई थी हमारे यहाँ से जी, और 65 में ही ये उससे पहले छुट्टी हुई है। चकबंदी से पहले खेड़ा बना हुआ था मंदिर, बाद में मेरे पिताजी ने बनाया था सन 2000 में। और ये जगह पीछे जो खाली देख रहे हैं आप, ये इस पर अवैध कब्जा करा गया इन लोगों द्वारा। कौन है जो कब्जा करने को? इसी गांव के दो लोग हैं, हमारे गांव के बहुत दबंग लोग हैं, वो तीन भाई हैं। क्या नाम है उनका? एक तो जयदयाल है, ज्ञानचंद है और एक जयचंद है, और बाकी काफी बड़ा परिवार है उन लोगों का। कब से कब्जा है इनका? ये मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे सन 2002 में जी, उसके बाद उन्होंने इस पर अवैध कब्जा कर लिया। कितनी जमीन थी उस वक्त? ये जमीन, ये जहाँ तक हम खड़े हैं ना, ये सारी जमीन मंदिर की जमीन है। ये कितनी जमीन थी? ये लगभग 5 बीघे जमीन के हैं। आप क्या स्थिति है इसकी? अब इस पे लगभग ये जमीन आधी मंदिर कब्जे में और आधी जमीन पे लोगों ने अवैध कब्जा किया, अपना सामान डाल रखा है। और अगर हम कहते हैं छोड़ने के लिए धमकी देते हैं और इनके छोड़ेंगे नहीं हम। कुछ इसका आपने जो है इस निस्तारण करने के लिए किसी अधिकारी उच्च अधिकारी से मिले, पुलिस या किसी डिपार्टमेंट से? पंचायत हुई थी बैठ के एक बार, हमने इनको कहा था कि जमीन तो मंदिर की है लेकिन हम छोड़ने के, जो थारे वो कर लो। इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है? जी नहीं हुआ नहीं अब तक। किसी उच्च अधिकारी से मीटिंग करी आपने? कुछ उनके संज्ञान में डाला? किसी पटवारी से बात की थी कि पटवारी ने कहा छोड़ो आप इसमें शिकायत करो और हम इसमें देख जांच करेंगे, रिपोर्ट देंगे। तो तहसीलदार वगैरह से कोई इसमें कोई मामला का तो कुछ नहीं? अभी तक नहीं किसी से हमने कहा, अभी तक ये था कि शायद आपस में निमट जाए। लेकिन ये सतीश कुमार सैनी है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ गाँव कलेमपुर ग्राम पंचायत से। और जी बताया क्या मामला है? मामला ये है जी, यहाँ से 2002 में ये जमीन जो है जो मंदिर की है उस पर कब्जा किया गया। उस वक्त जो है सरकार शायद बसपा की थी, तो उसमें कुछ जो है प्रभावशाली लोगों ने, हमने कई बार पंचायत करी लेकिन प्रभावशाली लोगों की वजह से ये कब्जा मुक्त नहीं हो पाई। उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार आई, तब भी हमने प्रयास करा, गाँव में पंचायतें भी करी, लोगों से निवेदन भी करा कि यहाँ से मंदिर की जमीन है, ये मंदिर की भूमि है, इस पर इसे कब्जा मुक्त कराया जा, लेकिन कोई भी मानने तैयार नहीं है। और जो है कई नेताओं के चक्कर में, नेताओं के में ये मामला इसी तरह दबा रहा। और अब जो है 2-3 बार प्रयास कर लिया इस सरकार में भी हमने, लेकिन कोई भी उठने को तैयार नहीं, आसमान उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप जिम्मेदार आप आदमी हैं गांव के, तो जो और आदमी के जो यहाँ के गांव के रहने वाले हैं, क्या उन्होंने इसमें कोई समर्थन नहीं किया? समर्थन सभी करते हैं, सभी समर्थन करते हैं और सभी ने पंचायत भी की, पंचायत में भी आवाज़ें उठाई और सभी ने इसमें जो है सहयोग करने के वो भी योगदान करा कि हम ग्राम से ही निधि इकट्ठी करके यहाँ से मंदिर दोबारा बना देंगे या कोई धर्मशाला बना देंगे, लेकिन ये लोग जो है कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि हम यहाँ कुछ भी बनने नहीं देंगे। कभी कोई दुर्घटना हुई है इसमें? दुर्घटना हुई है, कंबाइन फंसती है, लकड़ी की ट्राली फंसती है और नागरी ट्राली आती है, गन्ने ट्राली आती है, सब फंसती है। देख लो कई बार भी बात हुआ। कितने फीट होगी इसकी हाइट? इसकी हाइट मेरे ख्याल से 8-8.5 फुट और 10 फुट के वाहन यहाँ से। और कोई रास्ता है इसका? गांव से खेत में जाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। पहलवान जो है यहाँ से गांव खेत को और गांव को जोड़ने के लिए है, और दो गांव को जोड़ने के लिए है, पहलवानपुर और धर्मपुर मेन सड़क है,
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है खेत में जाने के लिए, और इस छज्जे की वजह से, क्योंकि यहाँ एक घूम भी आ गया, दूसरी तरफ बिजली का खंभा है, बिजली के खंभे को बचाते हैं और घूम पर लगता है, तो यहाँ से हर वाहन फंसता है, चाहे वो गन्ने की ट्राली हो, चाहे लकड़ी की ट्राली हो, भरी हुई हो, कंपाइन हो, या कोई भी जेसीबी हो, वो सब फंसती है। एक बार हमारे खेतों में आग लग गई थी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो वो फंस गई, हाँ वो जा नहीं पाई, हमारे गेहूँ की फसल बर्बाद हो गई थी, तो दूसरे रास्ते को जिन्हें ले गए तो इतना फसल जल चुकी थी, लेकिन इस छज्जे के मालिक ने कितना भी कोऑपरेट नहीं किया किसी भी मामले में। कई बार इससे रिक्वेस्ट भी करी, कहा भी कैसे थोड़ा एक कोना काट ले, सिर्फ एक डेढ़ फुट का कोना कटना था इसका, लेकिन इसे नहीं मानना ये। और गिरने की स्थिति में है, बहुत ज़्यादा हालत है छज्जे की, देखो कितनी मतलब है, इसमें ऊपर से भी तिरेड़ आई हुई है और इतना ज़्यादा हालत में है कि ये एंगल लगा कर रुक गया छज्जा, अगर ये एंगल हट जाए किसी वजह से तो दुर्घटना का सबब बन सकता है, दुर्घटना कारण बनेगा 100%। और मैंने चाहता कि गाँव में मेरे दुर्घटना हो या कोई विवाद का कारण बने, वजह से इन लोगों ने एक हमारे पर फर्ज मुकदमा भी किया है 56(3) में कोर्ट में, और क्योंकि मसला मंदिर का भी है, इन्होंने कहा कि मंदिर में ना मांगोगे तो हम आपको दुर्गम करके फंसाया जाएगा, और इन्होंने वो दुर्गम करके फंसाने के लिए हमारे पास एक 56(3) में मुकदमा कर दिया है। कितने आदमी आरोपी बनाए इन्होंने? 9 आदमी आरोपी बनाए गए। क्या नाम है आपका? जी बिंदु सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलवंतपुर ब्लॉक सरसावा। क्या मामला बताए आप? जो मंदिर की जमीन थी हमारे यहाँ जी, वो हमारे पूर्वजों ने चकबंदी से पहले दान में दी हुई थी। अब क्या स्थिति है उसकी जमीन की? तो हमारे यहाँ इन्होंने 20 साल से कब्जा करा हुआ है, जय दयाल और उसके परिवार वालों ने। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि ये कर्जा मुक्त हो और प्रशासन से उचित कार्रवाई हो, जिसकी जमीन है उसे मिल जाए। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बलवंतपुर रहने वाला हूँ और ब्लॉक सरसावा। क्या समस्या है बताएं? समस्या ये छज्जे की है उसकी, और सारे गांव की समस्या है, एक मेरी नहीं है, सब जमीन पड़ती, मेरी भी जमीन पड़ती उस रास्ते पर, और वो पहलवान से जुड़े आया दूसरे गांव से मायावती के टाइम पर, इसमें इस जयदाल ने वो इस पर छज्जा नीचे लटकाया हुआ है, गिरने वाला है, और उसमें एंगल लगा रखा, और सब गाँव को सबको परेशानी है, और वो अवैध कब जाकर रखा है तो बिल्कुल कतई, और उसे ना कहने से बिल्कुल नहीं मानता, वो बड़ा गिरोहबंद आदमी है। जब आपने इसके लिए आवाज़ उठाई तो उसने क्या करा आपके साथ? हाँ जी तो मुकदमा कायम कर दिया, और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर रखा है उसने, कर दिया तो हटाता नहीं उसे छज्जे ने। आपका प्रशासन से क्या चाहते हैं आप ये बताएं? कब्जा मुक्त करवाना चाहते हैं जी, और जो झूठे मुकदमे आपके झूठे मुकदमे वापिस होने चाहिए हमारे।